है वो सब गाइस, दिस इज़ अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं काली लिनक्स वर्सेस विंडोज़ या विंडोज़ वर्सेस काली लिनक्स। बहुत ही बड़ा कंक्लूजन निकल जाता है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं क्या, हाँ ये वीडियो का टाइटल ही गलत होगा, विंडोज़ वर्सेस काली लिनक्स। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है क्योंकि विंडोज़ और काली लिनक्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक बन जाते हैं, क्योंकि विंडोज़ बनाया गया है यूज़र की सहूलियत को लेकर, उसका इंटरफेस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि नॉर्मल यूज़र्स भी उसे अच्छे से यूज़ कर सके। वहीं काली लिनक्स बनाए प्रोफेशनल्स के लिए, डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए और पेनेट्रेशन टेस्टर्स के लिए, हैकर्स के लिए, तो इनका कंपैरिजन करना गलत है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे आज विंडोज़ वर्सेस काली लिनक्स इन हैकिंग। हैकिंग के अंदर विंडोज़ और काली लिनक्स में क्यों बेटर आता है काली लिनक्स, एक्चुअली में काली लिनक्स बेटर है लेकिन क्यों आता है, सिर्फ प्री इंस्टॉल टूल से ही कुछ नहीं होता, और बहुत सारे रीज़न। अगर आप डिटेल में इसमें इंटरेस्टेड है, हैकिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। तो अपने दिमाग का जो पर्दे हैं ना, उनको थोड़ा खोलते हैं और देखते हैं कि आज क्या नया मिलने वाला है। तो मेनली तीन प्रॉब्लम अपने पास आती है विंडोज़ के अंदर जिसे काली लिनक्स तुरंत सॉल्व करता है। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एज यू नो, काली लिनक्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी द्वारा ये लॉन्च किया गया है ब्लैक ट्रैक को रिप्लेस कर। एनवायरनमेंट की बात करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है एनवायरनमेंट। क्या आप जानना नहीं चाहते कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे मिल रहा है, आपको क्या आपके कुछ हेल्प करने वाली जो चीज़ें हैं आपके पास पहले से वहाँ पर हैं, अगर कैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे अवेलेबल है, क्या विंडोज़ वो एनवायरनमेंट दे पाता है, बिल्कुल नहीं दे पाता है। प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्टिविटी भी एनवायरनमेंट का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एनवायरनमेंट दोनों एक तरीके से जुड़े हुए टॉपिक है, लेकिन फिर भी इन दोनों में हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करता है हैकिंग के अंदर काली लिनक्स, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। मेक योर होस्ट OS सेफ, यहाँ पे होस्ट OS से मतलब है विंडोज़ या कोई अदर जो भी आप चला रहे हैं। यहाँ पे जब आप काली लिनक्स यूज़ करते हैं उसे बूट करना बहुत ही ईजी होता है, चाहे पेन ड्राइव में चाहे वर्चुअल मशीन के अंदर। अगर आपने नहीं देखा VMware और वर्चुअल मशीन के अंदर क्या डिफरेंस है, अच्छा कौन सा है, तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो ये आपके होस्ट OS को बहुत ही सेफ कर देता है जब आप इसे रन करते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर। अब आप बोलोगे हम विंडोज़ को भी कर सकते हैं रन, तो लेकिन आपने अगर आपको पता हो तो आपने कभी किया हो तो आपको पता भी होगा ये कि विंडोज़ को वर्चुअल मशीन पे होस्ट करना कितना मुश्किल होता है, उसका इंस्टॉलेशन कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसी कारण से ये आपके होस्ट OS को सेफ रखता है, और आप चाहें तो इसे अपना मेन OS भी बना सकते हैं क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 1। और बात करते हैं क्यों है, नो नीड ऑफ एंटीवायरसेस। आपको काली लिनक्स के अंदर एंटीवायरसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। विंडोज़ आप अगर हैकिंग कर रहे हो आप, तो विंडोज़ के अंदर या कहीं भी अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ट्रिकी हो रहे हैं तो आपको विंडोज़ के अंदर एंटीवायरस की ज़रूरत, आई शुड से पेड एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काली लिनक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पर आप बहुत ही ईजिली कुछ भी छोटे मोटे वायरसेस आते हैं या कोई भी वायरस अटैक होता है तो काली लिनक्स उसे खुद हैंडल कर लेता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको काली लिनक्स के अंदर एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती, एक्चुअली ज़्यादातर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लेस वल्नरेबिलिटीज़। आपका काली लिनक्स सेफ क्यों बनता है, मैं ऊपर बोल रहा था वो बीच में इसलिए रुक गया था, लेस वल्नरेबिलिटीज़। आपको पता है कि विंडोज़ के अंदर कोड की ब्रांचेस मिलियंस ऑफ कोड्स लिखा हुआ है, लगभग 100 अबव मिलियन कोड उसके अंदर लिखा हुआ है, लाइन ऑफ कोड उसके अंदर लिखा हुआ है, तो आपको पता है वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने का मौका भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन काली लिनक्स में ऐसा नहीं है, काली लिनक्स बहुत ही सिंपल है और फॉरेंसिक एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो काली लिनक्स के अंदर बहुत कम ही वल्नरेबिलिटीज़ पाई जाती हैं और उन्हें भी तुरंत शॉर्ट आउट कर दिया जाता है क्योंकि ये बना ही इस चीज़ के लिए है। और विंडोज़ के अंदर हमको पता ही है कि बहुत ही प्रॉब्लम आती रहती है वायरसेस के, कभी रैंसमवेयर हो जाता है, कभी कुछ आ जाता है, ओके वो अलग बात है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम काली लिनक्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन बन जाता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ के अंदर वो आपको कंफ्यूजन कर सकता है, आपको कुछ प्रिविलेजेस चेंज करने पड़ सकते हैं। प्रिविलेजेस यहाँ पे मतलब है आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप गेस्ट हैं, ये हैं वो हैं, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लेकिन काली लिनक्स में भी ये होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इसका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है जो कि हमें इसको यूज़ करने में ईजी टू परफॉर्म बनाता है। अब आगे हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। आपका वर्क स्पेस परफेक्टली मैनेज्ड है अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या आपका वर्क स्पेस मैनेज्ड है अकॉर्डिंग टू योर वर्क। अगर विंडोज़ की बात करें तो यहाँ पे ये मैनेज नहीं है क्योंकि वो एक सिंपल यूजर्स के लिए बनाया गया है और नॉर्मल यूजर्स के लिए बनाया गया है, हैकिंग के लिए नहीं बनाया गया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते विंडोज़ के अंदर, वो लाइसेंस्ड है और
पेटेंट है, पेटेंट प्रोडक्ट है एक्चुअली यही। अब जो कालिनस है वो ओपन सोर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, और कालिनस बना ही मेनली डिजिटल फॉरेंसिक पेनेट्रेशन टेस्टिंग के लिए, जो सबसे बड़ा जो मेन टॉपिक यही आता है, क्योंकि विंडोज़ नहीं बनाया हैकिंग के लिए एक्चुअली में। हाँ हम हैकिंग कर सकते हैं उसमें, ज़्यादातर सारे काम कर सकते हैं जो कालिनस में कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको क्या टर्मिनल मिलेगा, आप वहाँ से जाओगे पावर शेल खोलोगे या फिर उस पर वो वर्क नहीं कर सकते, फिर आप जाओगे विंडोज़ टर्मिनल के लिए जिसके ऊपर अभी वर्क चल ही रहा है, तो वो परफेक्टली मैनेज नहीं है। तो इसके ऊपर कालिनस जीतता है, एक्चुअली में जीतता है। अब अगले टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, और जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, इंस्टॉलेशन के ऊपर। सबसे पहले आपका कोई भी OS इंस्टॉल कितनी जल्दी होता है, तो हम सबको पता है कि हम कालिनस को बूट कर सकते हैं, लाइव बूट कर सकते हैं, उसे परसिस्टेंस में बूट कर सकते हैं, पेन ड्राइव में बूट कर सकते हैं, VM ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं, उसकी बूटिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इस यहीं पे हम बात करें विंडोज़ की, तो उसकी बूटिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू कालिनस तो बहुत स्लो होती है, लेकिन यहाँ पे अपना कालिनस बहुत जल्दी बूट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी के अंदर। अब सेकंड बात करते हैं फास्ट परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अबव 100 मिलियंस ऑफ कोड लाइन विंडोज़ के अंदर है, लेकिन कालिनस में नहीं है ऐसा। कालिनस के अंदर बहुत कम कोड लाइन्स कोड्स ऑफ लाइन है जो कि इसको फास्ट परफॉर्मेंस करती है। विंडोज़ के अंदर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं कोड की, और उन्हें एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं जो कि उन्हें डिस्टर्बेंस में क्रिएट करती हैं, लेकिन विंडोज़ के साथ या कालिनस के साथ ऐसा नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही लीन एंड स्लीक होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें बैकएंड के अंदर इतनी प्रोसेसेस नहीं चल रही होती है और उसमें कोड की ब्रांचेस कम होती हैं। थर्ड सबसे मेन टॉपिक आता है प्री इंस्टॉल टूल्स। यूट्यूब पर कहीं भी जाओ, इसी के ऊपर हम कंपैरिजन करते हैं विंडोज़ और कालिनस का। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको लगभग 600 प्री इंस्टॉल टूल्स मिल जाते हैं कालिनस के लिए, जो इसे बहुत ही यूनिक बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको प्री इंस्टॉल टूल्स मिल जाते हैं, आपकी फास्ट परफॉर्मेंस होती है, फास्ट इंस्टॉलेशन होता है, तो ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता ही है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि आपको पिस्टल टूल के बारे में बात करें, तो गिटहब, अब आप वहाँ पे कोई चीज़ को, जैसे गोबस्टर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई, तो मैं विंडोज़ के अंदर जाऊँगा, पहले गिट डाउनलोड करूँगा, फिर उसमें गिट क्लोन की कमांड रन करूँगा। ऐसा करना ही क्यों है जब हमारे पास टर्मिनल है और हमें लिखना है गिट क्लोन। तो ये बहुत ही प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, बहुत ही स्लीक होता है, लीन होता है एक्चुअली में। तो आगे बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं टारगेट ऑडियंस, कालिनस के टारगेट ऑडियंस कौन है। आपको कालिनस के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके माइंड डाइवर्ट नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोफेशनल्स की। तो कालिनस सबसे मेन टारगेट है प्रोफेशनल, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, इथिकल हैकर्स एंड पेनेट्रेशन टेस्टर्स, ये कालिनस की मेन टारगेट ऑडियंस है, और इसी के ऊपर कालिनस सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। इसीलिए वो सबसे पहले वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके और उसे कैंसिल आउट करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब कालिनस अपना भी हाथ चला रहा है अदर एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरफेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो लर्नर्स के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। नाउ ऑफेंसिव सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन द लर्नर्स, तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो ऑन करती है कालिनस को, वो अब ध्यान दे रही है अपने एनवायरनमेंट को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, GUI मोड के ऊपर लाने के लिए, जिससे उनके जो नॉर्मल यूज़र्स हैं वो भी इंक्रीज हो सकें और सेफली वर्क कर सकें। तो ये दो मेन टारगेट ऑडियंस हैं इनकी। अब आगे बात कर लेते हैं इनके ऊपर, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। कालिनस हैकिंग रिक्वायरमेंट्स, मैं कालिनस की रिक्वायरमेंट्स नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, हैकिंग रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे हैकिंग की बात कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स कालिनस की बहुत कम है, बहुत ही कम है एक्चुअली में, लेकिन हम यहाँ पे हैकिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे विंडोज़ हो चाहे किसी के लिए भी हो। कालिनस को बूट करने के लिए आपको बहुत कम रैम रोम चाहिए, लगभग 1-2 GB रैम बहुत ज़्यादा हो जाएगी सिर्फ बूट करना है तो। और अगर वैसे तो कालिनस 512 MB के ऊपर भी बूट हो जाती है, रैम काफ़ी होती है, लेकिन हम बात करेंगे हैकिंग रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं रैम की, तो यहाँ पे 4 GB रैम आपको कम से कम रखनी ही चाहिए, आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी मिल जाती है, आप ज़्यादा बैकग्राउंड के अंदर एप्लीकेशन चला सकते हैं, एक साथ में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 20 GB हार्ड डिस्क तो चाहिए, क्योंकि आपको स्टोरेज भी रखना होगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद में i3 या AMD 64 प्रोसेसर चाहिए होगा, ये नॉर्मल है हैकिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो आएगा तो बेस्ट के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो बेस्ट रैम के अंदर 16 GB रैम आप ले सकते हैं और अबव कितना भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की, 50 GB SSD इसलिए क्योंकि हार्ड डिस्क से
ज़्यादा फास्ट होती है SSD, तो हमें SSD की ज़रूरत पड़ सकती है और अबव कितना भी जा सकते हैं। और बात कर लेते हैं i5 और AMD Ryzen 5 प्रोसेसर और अबव, इससे ऊपर आप कितना भी जा सकते हैं। तो ये बेस्ट रिक्वायरमेंट्स होंगी आपके लिए अगर आप उसे थोड़ा प्रोफेशनली कर रहे हैं, हैकिंग के अंदर थोड़ा प्रोफेशनली कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। अब अगली टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीटर्स। सीरियसली वीडियो को सीरियसली देखना, डायरेक्ट कंपटीटर्स कौन है, कौन कम्पीट कर रहा है कालीनस को। सबसे पहले पैरेट सिक्योरिटी OS कालीनस, के बाद में डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, पेनेट्रेशन टेस्टिंग के अंदर पैरेट OS भी आता है। ये थोड़ा सा कालीनस से लाइट एंड वेट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बात कर लेते हैं अब सेकंड के अंदर, ब्लैक आर्च भी एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कालीनस के डायरेक्ट कंप्यूटर्स में आता है, कॉम्पिटिटर्स में आता है, सॉरी एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन के लिए। अब बात कर लेते हैं, मैं अगले थर्ड लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को लेना पड़ा विंडोज़। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अब कालीनस भी इम्प्रूव कर रहा है, वो लर्नर्स के ऊपर फोकस कर रहा है, अपने नॉर्मल यूजर्स को अब ग्रैप करना चाहता है कालीनस भी, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने एनवायरमेंट को, अपने GUI को अच्छे से बनाने के लिए। तो कालीनस अब थोड़े दिनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे इंटरफेस के अंदर, जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अब चलो इसे साइड में करते हैं, हमने बात कर ली कालीनस क्यों अच्छा है, लेकिन अब हम बात करेंगे अमेजिंग फीचर्स। इस वीडियो के अंदर आप यहाँ तक आए तो आप कालीनस के कुछ अमेजिंग फीचर्स जानने चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग फीचर्स अबाउट द कालीनस दैट यू रियली शुड नो। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर, नेट हंटर, कालीनस नेट हंटर। कालीनस नेट हंटर एक कालीनस का ही एक और प्रोडक्ट है, जो कि आपको एंड्रॉयड के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कालीनस को ऑपरेट करने के लिए, विथ ऑल टूल सेट, सभी टूल्स के साथ में। ये एक्चुअली अभी नेसेस और प्लस वन फोन के लिए अवेलेबल है, लेकिन कालीनस इस पर ऑफेंसिव सिक्योरिटी इस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रही है और इसे और भी ज़्यादा इंप्रूव कर रही है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप अगर हम ऐसे तो कैसे भी बूट कर सकते हैं, किसी भी फ़ोन में बूट कर सकते हैं कालीनस को इधर उधर से कुछ भी करके, लेकिन जो ऑफिशियल जो बात होती है, जो ओरिजिनल जो बात होती है, वो ऑफिशियल में ही होती है, ओरिजिनल में ही होती है। तो नेक्सस और प्लस वन के फ़ोन पे ये अभी नेट हंटर सपोर्टिव है और आगे कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है ऑफेंसिव सिक्योरिटी इसके ऊपर। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, फॉरेंसिक मोड। कालीनस कंप्लीट अपना ध्यान देता है आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस को फास्ट करने के लिए। तो कालीनस एक अलग से मोड देता है फॉरेंसिक मोड। जब आप अपनी काली को बूट करते हैं तो आपने देखा होगा या आप देखेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगा एक फॉरेंसिक मोड, जो आपको अलाउ करता है कुछ फीचर्स जो फॉरेंसिक्स में काम आते हैं, ट्रेसिंग में काम आते हैं, विक्टिम ट्रेसिंग में काम आते हैं, किसी को पकड़ना उसमें काम आते हैं, लॉग फाइल्स को चेक करने में काम आते हैं, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये कुछ लिमिटेड टूल्स को इंस्टॉल करता है, कुछ लिमिटेड प्रोसेस को रन करता है, जिससे आपकी प्रोसेस और भी फास्ट होती है फॉरेंसिक मोड के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक मोड के लिए, नॉट पेनेट्रेशन टेस्टिंग के लिए, पेनेट्रेशन टेस्टिंग के लिए, सॉरी यार। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, Amazon EC2 Amazon वेब सर्वर इमेज। अगर आपको पता नहीं हो तो Amazon वेब सर्वर क्या है, तो Amazon का एक सर्वर है जहाँ पे आप कालीनस की इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कंप्यूट कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। वापस से सुनिए, आप कालीनस को Amazon वेब सर्वर के ऊपर उसकी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कंप्यूट कर सकते हैं क्लाउड पर। इसका मतलब आप क्लाउड पर भी कालीनस को चला सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि Amazon वेब सर्वर के ऊपर कालीनस जब आप क्लाउड पर चलाते हैं तो एज़ कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है आपके PC से। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और एडवांस यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको और रिसर्च करनी चाहिए एक्चुअली, अगर आप एडवांस यूज़र हैं और फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको। अगला नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओपन सोर्स। कालीनस ओपन सोर्स है, ये आपको एंडलेस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इससे हमें क्या फ़ायदा है, अगर आप इथिकल हैकर में, हैकिंग में फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट की बात ही अलग होती है। उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप विंडोज़ में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते, वो पेटेंट है, वो इनलीगल है उसमें चेंजेस करना, लेकिन कालीनस यहाँ पे ओपन सोर्स है। आप इसे के कोड में चेंज कर सकते हैं, आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसकी ISO फाइल आती है, इमेज आती है, उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसीलिए कालीनस आपको अलाउ करता है एंडलेस फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें ऐसे एनिमेशंस को बनाने में, ऐसे काम करने में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल के ऊपर और आप देखेंगे कि ये जितनी भी हमारे पास वीडियोज़ हैं उनके प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाती है। तो आप हैकटेक ट्रे के हमारे यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर हम टेक्नोलॉजी, हैकिंग और गेमिंग के ऊपर बात करते रहते हैं, गेमिंग रिव्यूज़ करते रहते हैं, हैकिंग के ऊपर ज़्यादा बातें होती है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक्चुअली मेरी पुरानी वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, वॉइस क्वालिटी, लेकिन उसे अंडरस्टिमेट मत कीजिए, वो बहुत ही अच्छी वीडियोज़ है। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं
इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंकडिन के ऊपर मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं आप। लिंकडिन के ऊपर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हैक टेक ट्रैक या कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट डाउन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को हिट कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और सब्सक्राइब बटन करिए, नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना। देखो ये कितना कह रहा है कि नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए प्लीज़, जिससे आपके पास हमारी फर्दर वीडियोज़ लेटेस्ट मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू सून, गुड बाय।